हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे कनेर के बारे में बात करूंगी। ये गर्मी का पौधा है और अभी भी ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक फ्लावर्स करेगा। ये देखिए व्हाइट वाला कनेर, ये रेड भी आता है, पिंक भी आता है, येलो कनेर, देखिए ये येलो कनेर है। येलो कनेर अलग वैरायटी होती है, देखिए इसकी पत्तियां, देखिए नॉर्मल कनेर की पत्तियां ऐसी होती हैं, और बिल्कुल जो देसी होते हैं कनेर उनकी पत्तियां थोड़ी सी रफ होती हैं। ये वाला जो है इसकी भी दिखाती हूँ, देखिए मैं आपको एक लीफ, इसकी लीफ ये देखिए ऐसी होती हैं कनेर की पत्तियां, और बिल्कुल ही जो देसी वाला होता है ना, जंगली टाइप जो कहते हैं अपन, उसमें जो पत्तियां ऐसी होती हैं वो, और टेक्सचर थोड़ा और भी रफ होता है। यहाँ से शेप यही होती है ऐसा सा, इसका भी देखिए टेक्सचर थोड़ा सा रफ है, क्योंकि ये गर्मी में उगता है, डेजर्ट्स में ज्यादा गर्म इलाकों में उगता है ये, तो इसलिए इसकी पत्तियां थोड़ी ऐसी होती हैं थिक सी। और ये अलग वैरायटी है येलो कनेर, इसको थिविशिया कहते हैं। और तो इनको तो जैसे ओलियंडर बोलते हैं, इसका बोटैनिकल नेम थिविशिया समथिंग होता है, सेकेंड नेम मुझे याद नहीं आ रहा, थिविशिया होता है येल्लो वाले का। और इसमें जो है वो इसके देखिए लीव्स का टेक्सचर भी अलग है। ये देखिए इसका लीव बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो, और सीड से उग जाता है, मैंने बीज से उगाया है। देखिए इसका बीज ऐसा होता है, ये देखिए आपको इसका बीज भी दिखाऊं मैं, ये देखिए अभी ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा होके फिर ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का होके फिर ये पौधे से गिर जाता है। तो मैं तो इसको सड़क रोड साइड्स पे बहुत लगे हुए हैं हमारे यहाँ, तो ये रोड साइड्स और डिवाइडर्स पे लगाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। तो वहां से बीज ले आई थी, तो मैंने एक तो नेट भी बनाया है इनका, दिखाया था आपको 10-12 पौधे बनाए थे, और ये वाला भी है, और एक मेरे बैकयार्ड गार्डन में गमले में ही लगाया हुआ है मैंने। तो ये बीज से उगाना, इसी बीज से ऐसे बहुत आसान हो जाता है। देखिए ये येलो कनेर का मैंने बीच से पौध उगाई थी और उससे ये नेट बनाया था, इस पे वीडियो भी डाला हुआ है एक, देखिए। तो ये ऐसे मतलब ये बीच से बहुत आसानी से उग जाता है, जो मैंने आपको बीज अभी दिखाया उस बीज के ऊपर का कवर हटा के, इस पे वीडियो भी बनाई हुई है हाउ टू ग्रो कनेर बाय सीड्स। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है, और सॉल्ट वाली जो सॉइल होती है ना, जिस सॉइल में सॉल्ट होता है और पौधे लगने, मैं सोचती हूँ एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊं कौन से सॉल्ट वाले प्लांट्स होते हैं। तो सॉल्ट जिस सॉइल में होता है उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह लग जाता है, और रोड साइड्स में इसको या डिवाइडर्स पे इसलिए लगाते हैं कि वो जो सड़क पे धूप गिरती है, मतलब धूप पड़ती है, और वो सड़क गर्म होके जब उसकी हीट पड़ती है इस पौधे पर, रोड साइड या डिवाइडर पे लगे हो, तो ये उसको भी बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए ये काफी हीट बर्दाश्त कर लेता है। सॉल्ट वाले कैसी भी सॉइल में आप इसको लगा दो ये चल जाएगा। हाँ, ठंड को बहुत ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं करता, उसमें वो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, और बहुत ज्यादा जहाँ बर्फ वर्फ गिरती है वहां इसको गमले में लगा लो, और सर्दी में थोड़ा इनडोर्स में या कवर्ड एरिया में शिफ्ट कर दो, तो ये प्लांट रह जाता है। और जब इसको जमीन में लगाते हैं या बड़े गमले में लगाते हैं, तो छोटा सा ट्री का फॉर्म ले लेता है। आप इसको देख के पता चल रहा होगा आपको कि थोड़ा बड़ा कितनी जल्दी हो रहा है। ये लास्ट ईयर लगाया था और अब देखिए कितना बड़ा हो गया ये पौधा। और इसको क्या होता है कि आप कटिंग इसकी करते रहे तो ये बुशी प्लांट हो जाता है। प्रूनिंग इसकी थोड़ी थोड़ी, जैसे देखिए यहां से इसको मैंने काटा, यहां से देखिए काटा है ये, तो इसकी दो ब्रांचेस आई हैं, तो ये दो ब्रांचेस आई हैं, इनको भी काटूंगी और आएंगी। तो अभी बरसात आ रही है, अभी इसकी कटिंग करें। वैसे फ्लावरिंग जब इसकी खत्म हो जाती है, तब इस प्लांट की आप जितनी ज्यादा कटिंग करेंगे, मतलब प्रूनिंग करेंगे, ये उतना ज्यादा अच्छी शेप लेता जाता है। और अगर आपका पौधा बहुत लंबा सा लैगी हो गया, तो उसको 1/3 तक ऊपर से काट दें, मतलब जितनी उसकी लंबाई है उसको हम तीन हिस्सों में अगर बांटे, तो ऊपर के एक हिस्से वाली लंबाई, जैसे 6 फीट ऊंचा आपका पौधा है तो तीन हिस्से बांटेंगे, तो 2-2 फुट के तीन हिस्से समझ लें, तो ऊपर से 2 फीट इसको अगर हम काट देंगे तो ये और भी अच्छी शेप लेता है। तो अगर जमीन पे है तो जितनी अच्छी इसकी प्रूनिंग करेंगे उतना अच्छा ये ग्रो करता है, और उतने ही ज्यादा ये फ्लावर देता है। तो अभी फ्लावरिंग का मौसम,
लेकिन ये नहीं है कि आप हर साल इसको 1/3 काट दें, 2-3 साल में एक बार आपको लग रहा है पौधा बहुत लंबा है तो उसकी 1/3 कटिंग कर दें, और अगर आप हर साल करते हैं इसकी कटिंग तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी करनी है, जैसे इतनी 2-2, 3-3 इंच इतनी 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 प्रूनिंग कर दें, तो उससे जितनी ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतने ज्यादा फ्लावर आएंगे और बुशी होगा। तो एनुअल कटिंग आपको थोड़ी करनी है, और अगर आप 2-4 साल में एक बार कर रहे हैं, 2 साल में या 3 साल में, तो आप इसको 1/3 तक काटते हैं, और जितना ज्यादा ये प्रून जैसे 2-3 साल में एक बार अच्छी सी प्रूनिंग देंगे तो ये और ज्यादा खिल के निकलता है आपका पौधा। मिट्टी जैसे मैंने कहा कैसी में भी लगाएं तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गमले में लगाएं तो हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ी अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी लगाएं। तो उसके लिए आप मिट्टी ले लें, एक हिस्सा खाद मिला दें और एक हिस्सा उसमें बजरी मिला दें। वैसे ये बहुत ज्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, इनिशियली जब प्लांट छोटा होता है तो फिर आप इसको पानी वगैरह अच्छी तरह दें और खाद अच्छी तरह दें, और जब ये बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो जाता है प्लांट फिर इसको बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती है। वैसे फिर भी गमलों में जब है तो आप साल में एक बार फरवरी में अच्छी सी खाद दे दें इसको, मतलब 12 इंच के गमले में 300 ग्राम के करीब, साथ में थोड़ी नीम खली भी डाल दें, तो ऐसी इसको खाद दे दें, क्योंकि गर्मी में फिर इसका फ्लावरिंग सीजन है। अभी ये सितंबर अक्टूबर तक देखिए बारिश में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, ये बड्स आ रही है और इसमें, तो फिर इसमें आप जब फ्लावरिंग सीजन आएगा ना, फरवरी में एक बार खाद दे दी, उसके बाद जब फ्लावरिंग सीजन इसका आएगा, आपका पौधा फ्लावर दे रहा है, तो हर 10 दिन में एक बार इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें। वो आप NPK भी दे सकते हैं, 19-19-19 जो आता है उसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच छोटा चाय का चम्मच घोल के वो आप दे दें, और थोड़ा स्प्रे भी कर दें पत्तियों पे। लेकिन जो ये स्प्रे और खाद देना है ये या तो सुबह करें या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद करें, क्योंकि दिन में करेंगे तो धूप, एक तो फर्टिलाइजर पड़ेगा पत्ती पे और जड़ों पे, और ऊपर से धूप आएगी तो जल जाएगा आपका पौधा। और अगर ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो कोई भी जो आपके पास खाद है उसको पानी में घोल दें ओवरनाइट और उसका पानी दे दें, तो वो पौधा जल्दी एब्जॉर्ब करता है लिक्विड खाद को, और फ्लावरिंग करता है तो इसको ज्यादा खाना चाहिए होता है, तो इसलिए ये फिर इसको बार बार आपको ये देना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा इसको धूप अच्छी चाहिए, 4-5-6 घंटे की फुल धूप एरिया में इसको लगाएं, और अगर आप इसको हाफ डे सन में भी लगाएंगे तो भी चलेगा। जैसे अभी देखिए मेरा ये ग्रीन नेट के नीचे पड़े हुए हैं दोनों, अभी बाहर निकाल के आपको दिखा रही हूँ मैं ये, तो इसमें भी देखिए फ्लावरिंग आ रही है, धूप आती है इसमें सारा दिन, नेट में से छन के आती है, फ्लावरिंग आ रही है, तो देखिए इतनी अच्छी तरह फ्लावर कर रहा है ये आपका पौधा, मतलब मेरा पौधा। और फ्लावरिंग में जब इसके फ्लावरिंग सीजन होता है तब आप इसको हाई पोटेशियम फर्टिलाइजर दें तो अच्छा ग्रो करता है। उसके लिए आप केले के छिलकों का फर्टिलाइजर दे सकते हैं, और जैसे मैंने बेल का फर्टिलाइजर बनाना बताया है उसमें तो पोटेशियम और भी ज्यादा होता है, वो दे सकते हैं इसमें, और नहीं हो तो आप पोटाश 1 चम्मच दे दें 20 दिन में एक बार, तो उससे फ्लावरिंग जो है वो और भी अबंडेंट हो जाएगी। तो ये जैसे मैंने कहा कि सॉल्ट टॉलरेंट है, ड्राउट टॉलरेंट भी है, आपने 1-2 दिन पानी नहीं दिया 1 दिन तो ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब ये इस्टेब्लिश्ड प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, छोटी सी पौध में अगर आप 2 दिन पानी नहीं देंगे और आप कहेंगे कि ये बर्दाश्त कर ले, तो जब पौधा बड़ा हो जाता है ना, जब उसमें ताकत आ जाती है तो वो थोड़ा सा एक दिन पानी नहीं दिया 2 दिन तो ये बर्दाश्त कर लेता है। और अगर आपने जमीन में इसको लगाया हुआ है, बहुत सुंदर लगता है, अगर आप लॉन है और उसके एक साइड में लगा दें, छोटा सा पेड़ बन जाता है ये, स्मॉल ट्री बन जाता है, और ये येल्लो वाला तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, पूरा येल्लो फ्लावर से भर जाता है गर्मियों में और बहुत प्यारा लगता है। कटिंग से ये प्लांट, अब बारिश आ रही है इन दिनों, आप इसको कटिंग से लगाएं, और बीज से भी बहुत जल्दी लग जाता है। इसके बीज अलग तरह के होते हैं, ये जो इस तरह का कनेर है इनके बीज जो है वो फली में लगते हैं, और ये जो येलो कनेर है इसके बीज जैसे मैंने आपको दिखाया, ये इसके बीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये अभी बच्चा बीज है, अभी ये बड़ा होगा फिर ब्राउन होगा, थोड़ा सा सिंघाड़े जैसा हो जाता है ये, उस टाइप का बीज होता है ये, और फ्लावर्स भी बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब ये ड्राउट टॉलरेंट जैसे मैंने कहा वो तो है, लेकिन इसमें फ्लावर्स तभी ज्यादा आएंगे
जब इसमें आप पानी की कमी नहीं होने देंगे, रेगुलर वाटरिंग करेंगे, मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे, तो आपका ये पौधा ज्यादा फ्लावर करेगा। और अगर आपने पानी बहुत कम दिया फ्लावरिंग के मौसम में भी, तो फिर फ्लावरिंग नहीं करेगा ये आपका पौधा। तो बस मरेगा नहीं लेकिन फ्लावर नहीं करेगा अगर पानी कम दिया। तो पानी ठीक दें, सौगी नहीं करें मिट्टी को, और नॉर्मल पानी दें, और 10 दिन में एक बार लिक्विड खाद दें जब इसका फ्लावरिंग का सीजन है, पोटाश वाली अच्छी खाद दें। और कुछ एक ये वैरायटी आती है कनेर की, इसमें देखिए पत्ते भी छोटे हैं, ड्वार्फ वैरायटी है और झाड़ी जैसी बन जाती है छोटी छोटी। अगर आपके कोई क्यारी वगैरह है उसको पूरा ऐसे कवर करना है जैसे पूरे फ्लावर्स, ये बहुत अच्छा है, हाइट कम रहती है इसकी। और इसमें देखिए ये मेरे पास पिंक है, इसमें रेड भी आते हैं और दो तीन कलर्स आते हैं इसमें। और ये भी, ये मेरे पास काफी पुराना प्लांट है, ये भी अच्छी एक वैरायटी है। और इसी से मिलती जुलती एक ये है, एक देखिए ये वैरायटी है, इसके भी पत्ते छोटे हैं और इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए ये कलियां आ रही हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये रेड रेड सी हैं, इसमें रेड फ्लावर्स आते हैं। तो कनेर जो है ये जो न्यू गार्डनर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा पौधा है, हार्डी प्लांट है, सॉल्टी वाटर में लगता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। और इसकी आप कटिंग करते रहो, देखिए इसकी इन्होंने छोटे उसमें कटिंग की हुई है, तो ये देखिए ये कटिंग की हुई है, ये कटिंग है, ये कटिंग है, ये यहाँ से कटिंग की हुई है, ये कटिंग की हुई है, ये कटिंग की हुई है, है ना। तो ऐसे कटिंग कर लें हम इसकी जैसे बारिश आने से पहले, तो बुशी हो जाता है आपका प्लांट, तो बुशी प्लांट सुंदर लगता है। तो और अगर न्यू गार्डनर्स है तो थोड़ी थोड़ी कटिंग करें, ऐसे नहीं है जैसे मैंने दिखाया तो आप फट से खूब सारी कर दें, छोटी छोटी प्रूनिंग करें इतने इतने से, है ना, ताकि उससे आपका पौधे को भी नुकसान नहीं होगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रूनिंग कैसे करते हैं छोटी छोटी सी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।